हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज का वीडियो हम लेकर के आए हैं ट्रैफिक मैनेजर के ऊपर। तो अपन देख लेते हैं कि ट्रैफिक मैनेजर क्या होता है, यानी एचयू ट्रैफिक मैनेजर। ठीक है, ट्रैफिक मैनेजर क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेंगे एंड इसके बाद हम एक प्यारा सा डेमो कर लेंगे। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके समझाऊंगा आपको, एक बार में समझ में आ जाएगा। इसकी तो गारंटी है। तो चलिए चलते हैं, अपने इस मॉड्यूल को आगे बढ़ाते हैं। और इस मॉड्यूल के हमारा आई थिंक एक या दो टॉपिक बचे हुए हैं, एक ये ट्रैफिक मैनेजर है और एक बैशन होस्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो एज्योर बैशन सर्विस भी हम करेंगे इसके बाद। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड शुरू करते हैं एज्योर ट्रैफिक मैनेजर। तो बात करते हैं एज्योर ट्रैफिक मैनेजर की। तो एज्योर ट्रैफिक मैनेजर इज अ डीएनएस बेस्ड लोड बैलेंसर दैट अलाउ अस टू डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक। ठीक है, तो डीएनएस बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, जैसे डोमेन नेम सर्विस होती है उसी टाइप का होता है। ठीक है, इज दैट अलाउ डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक ऑप्टिमली वाइल प्रोवाइडिंग हाई अवेलेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस अक्रॉस ग्लोबल एज्योर रीजन। मतलब देखो क्या है इसका सीन है। इसका सीन ऐसे है, जैसे कि सपोज करो मैंने एक वेबसाइट बनाई। ठीक, अब इस वेबसाइट के मैंने दो वर्जन बनाए हैं, एक बनाया है यूएसए का, एक बनाया है मैंने इंडियंस का। ठीक है, अब मतलब क्या है इसका, मतलब इसका कुछ ऐसा है कि जब यूएसए वाले अगर इस वेबसाइट को हिट करेंगे, ठीक है, कोई भी वेबसाइट हो सकती है वो, सपोज xyz.com, तो जब यूएसए वाले डालेंगे xyz.com तो फटाक से यहाँ पे आ जाएगा और उनको ये दिखा देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये यूएसए जोन मैंने बनाया है। ठीक, अब मैंने ये वाला बनाया है सेंट्रल इंडिया जोन पे, रीजन में। ठीक है, जब इंडिया वाले हिट करेंगे तो वो फटाक से यहाँ पे ले आएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे लगा हुआ है एक ट्रैफिक मैनेजर। कैसा? सपोज करो दो वेबसाइट्स के बीच में यहाँ पे लगा हुआ है, दिस इज द जस्ट लाइक ऑफ थिंग, कि ये है ट्रैफिक मैनेजर। ठीक है, ये ट्रैफिक मैनेजर एक है। और जब यहाँ से देखो यूएसए वाले करेंगे और इंडिया वाले, यूएस वालों ने हिट किया, ठीक है, इसको तो इस तरह यहाँ पे देगा, इसके पास जाओ। इंडिया वाले हिट करेंगे तो सीधा यहाँ भेज देगा। ठीक है, सो ये ट्रैफिक मैनेज करता है डिपेंड ऑन दी लोकेशन। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस लोकेशन की वजह से देखो इसने लिखा ना, हाई अवेलेबिलिटी हो जाती है एंड रिस्पॉन्सिवनेस बहुत अच्छे से हो जाता है एंड ग्लोबल हो जाता है, जस्ट बिकॉज की रीजनल सर्विस है। ठीक है, एक तरीके से। अब इसके मेथड दिखाता हूँ आपको क्या क्या होते हैं। एक होता है प्रायोरिटी मेथड, इट इज यूज व्हेन द प्राइमरी सर्विस एंड पॉइंट इज यूज फॉर मोस्ट टाइम्स। मतलब कि एंड पॉइंट की बात करते हैं तो एंड पॉइंट जब हम बनाएंगे ट्रैफिक मैनेजर तो हमें एक एंड पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो हमें उसी एंड पॉइंट के थ्रू जब हम हिट करेंगे तो वो हमें डिपेंड करता है कि हम इंडिया में चाहते हैं कि यूएसए में चाहते हैं। ठीक है, अगर हम यूएसए से हिट करेंगे तो वो यूएसए पे ले जाएगा, अगर हम इंडिया से हिट करेंगे तो इंडिया पे लेके जाएगा। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटी। वेटेड की बात करें तो इट इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक अक्रॉस अ सेट ऑफ एंड पॉइंट, दिस मे बी डन इवनली और अकॉर्डिंग टू द वेट असाइन। मतलब कि कभी कभी क्या होता है ना, हमें वेट असाइन करना पड़ता है, लाइक एक तो यूएसए और ये हो गया। ठीक है, या फिर अगर हम करें कि मैंने दो वर्जन बनाए, ठीक है, कि जब मेरा जो अगर इतना ट्रैफिक आए तो वो इस वाले वर्जन पे आ जाए और इतना ट्रैफिक आए तो इस वाले वर्जन पे आ जाए। ठीक है, लाइक इट डिपेंड्स ऑन वेट, लाइक ट्रैफिक। ठीक है, कि कितना ट्रैफिक मेरा आ रहा है। परफॉर्मेंस, दिस वर्क इन अकॉर्डेंस विद दी लोवेस्ट नेटवर्क लेटेंसी। मतलब कि क्या है ना, जैसे कि अब एंड पॉइंट्स के हिसाब से बात करेंगे तो बिकॉज प्रायोरिटी पे होता है, वेटेड होता है, तो इसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बहुत तेज हो जाएगी। ठीक है, इफ वी हैव एंड पॉइंट इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन द क्लोजेस्ट वन इज चूजन। मतलब अगर मैंने बहुत सारी जगह बनाई है मैंने अपने ये वर्जन, ठीक है, लाइक चाइना में बनाया है, एशिया में बनाया है, यूएसए में बनाया है, तो अब जहां का लोग इसे हिट करेंगे तो ये वहीं के लोग, जहां का ये है, सपोज चाइना के हिट किए तो चाइना के पास पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, एशिया में हिट किया है तो एशिया के पास पहले पहुंच जाएगा। लाइक अब भाई क्योंकि इतने सारे मैंने रीजन बना रखे हैं इसके ऑलरेडी, तो अब जहां से हिट करोगे सबसे नियरेस्ट के पास जाएगा, तो ऑब्वियसली लेटेंसी इसकी बहुत लो हो जाएगी, है ना, परफॉर्मेंस बहुत हाई रहेगी। तो डिपेंड करता है इस वजह से। जियोग्राफिक मैंने आपको समझाई दिया है, यूजर्स आर डायरेक्टेड टू स्पेसिफिक एंड पॉइंट्स एज्योर एक्सटर्नल और नेस्टेड बेस्ड ऑन जियोग्राफिक लोकेशन फ्रॉम वेयर द डीएनएस क्वेरी इज ओरिजिनेटेड। ठीक है, मल्टी वैल्यू, मल्टी वैल्यू का मतलब है राउटिंग मेथड इज यूज फॉर ट्रैफिक मैनेजर पॉलिसी दैट कैन ओनली हैव दिस एड्रेसेस एट पॉइंट। मतलब कि ये IPv4 और IPv6 एड्रेस के एंड पॉइंट्स पे भी ये काम करता है। इट इज अ ट्रैफिक राउटिंग मेथड टू मैप सेट ऑफ एंड यूजर आईपी एड्रेस रेंजेस टू अ स्पेसिफिक एंड पॉइंट विद इन अ ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल। मतलब कि इट डिपेंड्स ऑन दी सबनेट ऑल्सो। ठीक है, सिंपल भाषा में यही कह रहा है, डिपेंड्स ऑन दी सबनेट ऑल्सो एंड एंड यूजर के आईपी एड्रेस पे की रेंज पे भी डिपेंड करता है। जब हम इसका डेमो करेंगे तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। अ ट्रैफिक मैनेजर ऑफर्स दी फॉलोइंग फीचर। अब देखो इन सारी बेनिफिट्स की वजह से ये इंक्रीज एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी, ये अवेलेबिलिटी हमारी इंक्रीज कर देता है बहुत अच्छी। ठीक है,
एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इंक्रीज कर देता है एंड परफॉर्म सर्विस मेंटेनेंस विदाउट एनी डाउन टाइम। अब इसमें डाउन टाइम बहुत कम हो जाता है, तो क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस अबव बेनिफिट्स, ठीक है, डाउन टाइम बहुत कम हो जाता है। ठीक, अब यहां तक आप मोटा मोटा समझ गए, इसका आइडिया आपको लग गया है। सो इसके हम एक बार फटाक से लैब कर लेते हैं, और लैब में हम लोग क्या करेंगे, हम सपोज करो दो वर्चुअल मशीन बनाएंगे, एक बनाएंगे यूएसए रीजन पे, एक बनाएंगे सेंट्रल इंडिया रीजन पे, एंड बनाएंगे अपन दिस ट्रैफिक मैनेजर, कन्फिगर करेंगे इसको। तो अगर हम इंडिया से, जो कि ऑब्वियसली यहीं से करेंगे अपन हिट इसको, क्योंकि हम यूएसए से तो कर नहीं सकते, जब हम इंडिया से हिट करेंगे इसको तो ये हमें हमेशा इंडिया के वर्जन पे ले जाएगा। तो ये हम लोग करने वाले हैं इसका लैब। सो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी लैब। ओके फ्रेंड्स, तो आ चुके हैं हम अपने पोर्टल पर, और जैसा कि आपको पता है हमें स्टार्ट करने के लिए पहले चाहिए होगा दो वर्चुअल मशीन्स, ठीक है, वो भी दोनों अलग अलग रीजन में। तो अपन क्रिएट कर लेते हैं दो वर्चुअल मशीन्स, और एक बना लेते हैं हम वेस्ट यूएस में और एक बना लेते हैं सेंट्रल इंडिया में, राइट। तो मैं इसके लिए एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम डाल देता हूँ मैं ट्रैफिक हाइफन आरजी, ठीक है, यानी रिसोर्स ग्रुप, एंड ओके। और इसका नाम दे दूंगा मैं सपोज VM1 इंडिया, ठीक है, या फिर इसको करता हूँ VM1 यूएसए, ठीक, इसे करते हैं ईस्ट यूएस। अवेलेबिलिटी जोन यही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा सिंपली। और इसमें मैं कर देता हूँ इसको न्यू हाइफन यूजर 2023 एट द रेट, और न्यू हाइफन यूजर 2023 एट द रेट, ठीक है। और इसको हमें अलाउ कर देंगे HTTP और PSS, क्योंकि हमें इंटरनेट से काम पड़ेगा, ठीक है। एंड सिंपली मैं कर दूंगा ऐसे क्रिएट पे क्लिक, वैलिडेशन इसका पास हो रहा है, तब तक मैं चलता हूँ डुप्लीकेट कर देता हूँ उसको, एंड मैंने कर दिया क्रिएट पे क्लिक। जब तक ये क्रिएट होती है हम चलते हैं अपनी वर्चुअल मशीन सेकंड पे, और एक हमने बना दी है और दूसरी हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो रिसोर्स ग्रुप में ले लूंगा वही ट्रैफिक RG वाला, एंड वर्चुअल मशीन का नाम डाल दूंगा मैं VM2, और ये कर दूंगा इंडिया, क्योंकि ये इंडिया की रहेगी, ठीक है। और इसको मैं ले लेता हूँ सेंट्रल इंडिया, ये रहा, ठीक है। और देखो Zone 1 का सेलेक्ट हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिक्योरिटी आप स्टैंडर्ड भी कर सकते हो या फिर नॉर्मल रहती है वो भी रहने दे सकते हो, ठीक है। और पासवर्ड की बात करेंगे तो अपन न्यू हाइफन यूजर टू 2023 एट द रेट, आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं तो ये डालता हूँ ताकि याद रहे, ठीक है। ओके, सो इसका पासवर्ड था new-user2-2023@, ठीक है। और अलाउ कर दूंगा मैं इसके भी दोनों पोर्ट्स, और नेक्स्ट करेंगे इसको अपन, नेटवर्किंग में जाएंगे एंड सी दिस, यहाँ पे VNet इंडिया का बन चुका है, चेंज हो गया है, सो इट्स वेल एंड वेल एंड गुड। हम सिंपली करते हैं रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक, ठीक है। सो अभी देखो ये डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस है, और मेरा ये वाला भी डिप्लॉयमेंट, इसका वैलिडेशन मेरा पास हो गया, एंड इसे मैं करता हूँ क्रिएट। अब हम वन वाली मेरी देखो डिप्लॉय हो चुकी है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, वन वाले को करते हैं कनेक्ट, और इस पे क्योंकि ये VM USA वाली है तो इस पे एक पेज डाल देते हैं अपन यूएसए के उससे, ठीक है, कि मतलब मेरी यूएसए वाली, जब भी मैं इस पे आऊंगा तो मेरा यूएसए वाला खुलेगा, तो मुझे पता रहेगा कि ये यूएसए वाला खुला है, ठीक है। Ctrl C मैंने कर दिया, इसे कॉपी मैंने कर लिया, एंड चलते हैं अपन CMD पे। अभी मैं पूछना है CMD कैसे आते हैं, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। इसे कर दूंगा पेस्ट एंड एंटर, राइट, यहाँ कर देंगे येस। मैं फिर भी आपको बता दूंगा अभी कैसे आता है CMD, ठीक है। सो new-user2023@, ये इसका पासवर्ड था, जैसे मैंने डाला पासवर्ड यहाँ पे आ जाएंगे अपन। Ctrl L कर दूंगा मैं, ठीक है, और यहाँ कर देंगे अपन सबसे पहले sudo apt-get update एंटर, तो ये अपडेट हो रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं सेकंड वाली मशीन हमारी, ओके, सो डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस, ठीक है। जल्दी से अपन इस पर अपने जो भी हमें डालना है चीजें वो उसमें डाल देते हैं, जस्ट बिकॉज सेकंड वाली बन जाएगी तो उस पर भी हमें सेम चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये मेरी सेकंड हो गई है, इस पर कर दूंगा sudo apt-install, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो apt-install, या फिर apt-get-install भी लिख सकते हो, ठीक है। apt-get-install apache2-y एंटर, ये हो रहा है इसमें इंस्टॉल। अभी देखो टू मेरी अभी भी नहीं आई है, आ रही है, ठीक है। इस पे अपाचे इंस्टॉल हो जाएगा, एंड इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा इसके वेब पेज को। कैसे चेंज करते हैं, देखो ये मेरा फर्स्ट की है, ठीक है, ओवरव्यू पे गए अपन, और इसका पब्लिक मैंने यहाँ से कॉपी किया, पब्लिक IP पेस्ट किया, एंटर किया, एंड सी दिस अपाचे का पेज इसमें इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं जाऊँ CD WHERE के अंदर, WWW के अंदर, HTML के अंदर, तो यहाँ मुझे एक फाइल मिलेगी index.html, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, sudo nano, nano नहीं रहेगा, sudo rm index.html एंटर,
अभी मेरी फाइल रिमूव कर दी मैंने, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊं, अगर ये देखो हट गया ना यहां से, ठीक है। हम देख लेते हैं अभी, सेकंड मेरी मशीन अभी भी नहीं आई है, ठीक है, चलो इसको आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ज्यादा अपना काम कर लेते हैं। यहां पर बनाऊंगा मैं सूडो नैनो, नैनो क्या है, एडिटर है, ठीक है, HTML, और यहां बना दूंगा मैं दिस इज यूएसए वर्जन, ठीक है, सिंपल लिख दिया दिस इज यूएसए वर्जन। एक वेबसाइट है, जब मैं खोलूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये यूएसए वर्जन है, ठीक है। जैसे अगर आपको यहां दिखाऊं, ये देखो दिस इज यूएसए वर्जन, राइट। तो मेरी ये अभी भी नहीं आई है, अब मुझे इसका वेट करना पड़ेगा। तो मेरी यूएसए वर्जन की साइट रेडी होगी, मतलब जब हमारा फ्रंट एंड बनेगा ट्रैफिक मैनेजर वाला, जब मैं उसमें लॉग इन करूंगा, अगर मैं यूएसए से करूंगा तो हमें ये पेज खुलना चाहिए, और जब इंडिया से करेंगे तो जो मैं इस पे बनाऊंगा पेज वो खुलना चाहिए ना, कि दिस इज एन इंडियन वर्जन, राइट। तो जल्दी से ये आ जाए, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं अपन, हमें इसके बाद कहाँ चलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ना कुछ चीजें और भी करनी होंगी इसमें, मुझे इन दोनों वर्चुअल मशीन्स पे, अगर मैं आपको बताऊं, डीएनएस जोन है वो एक्टिवेट करना पड़ेगा, मतलब कि डीएनएस जोन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कैसे, अगर मैं VM1 USA पे जाऊं, आपको दिखेगा ना यहाँ पे डीएनएस नेम नॉट कॉन्फ़िगर्ड, तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करूंगा कॉन्फ़िगर्ड पे, और इसका नेम डाल दूंगा मैं यूएसए सर्वर डाल देते हैं, ठीक है। इट कैन कंटेन ओनली स्मॉल लाइक दिस, ठीक है, ये चलेगा, है ना। इसका नाम आ जाए यूएसए सर्वर 6001, ठीक है, ये कर दिया। आपको कर देना सेव, मुझे इसका सर्वर डालना था डीएनएस नेम, ठीक है, तो मैंने ये डाल दिया यूएसए सर्वर 6001, ठीक है। तो मेरी मशीन 2 आ चुकी है, अब मैं चलता हूँ मशीन 2 के गो टू रिसोर्सेस पे, इसे करेंगे कनेक्ट, इसे मैंने किया कॉपी, सीएमडी ओपन कर लेंगे। आप ना सीएमडी को यहीं पे पिन कर लो, तुरंत ओपन हो जाता है, ठीक है। SSH स्पेस कंट्रोल भी से मैंने पेस्ट किया, यस और नो, यस। पासवर्ड पूछा न्यू हाइफन यूजर 2023 एट द रेट एंटर, जैसे ही आप करोगे पासवर्ड एंटर, आप आ जाओगे मशीन के अंदर, यह है इंडियन वर्जन, ठीक है। अब यहां भी मुझे वही करने होंगे, सूडो एप्ट गेट अपडेट एंटर, ठीक है, तो ये मेरा पैकेज अपडेट हो रहा है इसमें, ठीक है। जब तक ये होता है, इसको तो खैर जल्दी हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इसको मैं तब तक ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो डन, ये हो गया। अब मुझे करना है सूडो एप्ट गेट इंस्टॉल अपाचे 2-Y एंटर, ठीक है, अब ये एंटर हो रहा है, ठीक है। हम लोग दो मशीन हमने बना दी हैं, ठीक है, ये मेरी कॉन्फ़िगर हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम आ गए हैं वर्चुअल मशीन्स के अंदर, यहाँ दो वर्चुअल मशीन मेरी बनी हुई है, ठीक है। मैंने अभी 2 कॉन्फ़िगर नहीं किया है, बट 2 भी कॉन्फ़िगर कर दूंगा जैसे इसका ये सेशन मेरा पूरा हो जाएगा। सो यहाँ तक हो गया पूरा ये, ठीक है। अब मैं करता हूँ CD /web/www/HTML/, नहीं यहां तक आते हैं बस, ls करता हूँ index.file, और कर दूंगा इसको sudo remove, कर दूंगा मैं ये जो इसमें अपाचे इंस्टॉल हुआ है उसको, लाइक दिस रिमूव मैंने कर दिया। और मैंने बना दूंगा सूडो नैनो index.html एंटर, और ये कर दूंगा दिस इज इंडियन वर्जन, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव किया, एक्स से आ गए बाहर, बस इसका इतना ही काम था, इसको मैंने बंद कर दिया। अब हम चलते हैं वर्जन VM2 पे, इंडिया वाले पे VM पे आ गए हैं, और मैं ऐसे कर दूंगा कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी इसका नाम डाल दूंगा मैं इंडियन सर्वर, ओके, सो 6001, ठीक है, ये हो गया है। सिंपली कर देंगे सेव पे क्लिक, और ये देखो सेविंग पब्लिक आईपी एड्रेस, ये हो जाएगा, एंड हम आ जाएंगे वापस जैसे ये सेव हो जाएगा तो, ठीक है, ओके, ये हो गया सेव, हम आ गए बाहर, ठीक है। मैंने दो वर्चुअल मशीन मुझे अपनी कॉन्फ़िगर करनी थी पूरी तरीके से, तो मैंने वो कर ली, राइट। ये दो मेरी मशीन हो चुकी है, अब मुझे चलना है आगे। मैं एक बार आपको इसका दिखा देता हूँ, VM2 पे जाने के बाद जब हम इंडिया से इसे करेंगे एक्सेस, जो कि हम एक्चुअली में करेंगे, तो हमारा ये वाला पेज ओपन होना चाहिए, है ना, दिस इज इंडियन वर्जन, राइट। तो मैं क्या करूंगा, अब हम चलते हैं ट्रैफिक मैनेजर पे, जहां से मेरा ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल्स, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, यहां पे कर देंगे सिंपली क्रिएट पे क्लिक, ठीक है, ये मेरा क्रिएट हो रहा है, इसको क्रिएट होने देते हैं। नाम डाल देंगे इसका Module 7 ट्रैफिक मैनेजर, ठीक है, चलेगा।
चलेगा। इज नॉट अवेलेबल 6001। भाई ये किसी ने बना रखा है बताओ। सही है। राउटिंग मेथड की बात करेंगे तो यहां हम कर देंगे जियोग्राफिक। क्यों कर रहे हैं जियोग्राफिक, मैं आपको बता चुका था, क्योंकि डिपेंड करता है हमारे वर्जन कहाँ पे हैं, तो हम जियोग्राफी के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन मेरे पास एक ही है, फ्री ट्रायल, तो ये रखेंगे। और रिसोर्स ग्रुप मैंने बनाया था ट्रैफिक आरजी के नाम से, तो ट्रैफिक आरजी रख सकते हैं, या आप चाहो तो हम न्यू रिसोर्स ग्रुप भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होती है। अब यहाँ से सिंपली न्यू भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ न्यू नहीं बना सकते। राइट, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ न्यू बना करके, कहीं आप बोलोगे यार ट्रैफिक मैनेजर आरजी। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप ये मैंने नया बना दिया ट्रैफिक मैनेजर के लिए स्पेशली। लोकेशन हम रखना चाहते हैं ईस्ट यूएस या वेस्ट यूएस, जहां से आप चाहो। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं अगर इसको ले लेता हूं सपोज वेस्ट यूएस ले लें क्या, मेरी मशीन्स कहाँ पे हैं पहले देख लेते हैं एक बार, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलते हैं अपन ऐसे ही सिंपली। मैं करता हूँ क्रिएट पे क्लिक। ठीक है, सो ये मेरा क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है गाइस यहाँ पे, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लेना। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे लिख करके आ रहा है कि डन हो चुका है मेरा, पर यहाँ अब तक आया नहीं है। मैं इसे कर लूंगा रिफ्रेश 2-3 बार। ठीक है, सीधे ये हो गया, इसे हम करते हैं क्लोज। अब मुझे इसके अंदर जाना होगा, क्यों? क्योंकि अब मुझे एंड पॉइंट क्रिएट करना है। राइट, है ना, जहां से मैं एक्सेस करूंगा मुझे वो एंड पॉइंट चाहिए होगा। इसके अंदर आने के बाद ना आप नीचे भी आ सकते हो यहाँ पे सिंपली, जब तक ये पेज ओपन हो रहा है ओवरव्यू, इसको होने देते हैं ओपन। मैं सिंपली करता हूँ सेटिंग्स पे, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा एंड पॉइंट। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड पॉइंट्स पे। ठीक है, और एंड पॉइंट में मेरे पास एक भी नहीं होगा, तो मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा एंड पॉइंट। तो सीधे यहाँ पे आया नो रिजल्ट, मैं सिंपली करता हूँ ऐड पे क्लिक। ठीक है, और एजोर एंड पॉइंट की बात करें तो ठीक है ये रखेंगे, इसका एक का नाम डालता हूँ मैं सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया, ठीक है, सेंट्रल इंडिया एंड पी, ई एन डी एंड पी, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, और टारगेट रिसोर्स टाइप की बात करें तो मैं रखूंगा पब्लिक आईपी एड्रेस, क्योंकि पब्लिक आईपी है मेरी। ठीक है, और यहां मैं कर लूंगा इंडियन वाली आईपी को सेलेक्ट, क्योंकि मैंने यहाँ सेंट्रल इंडिया बनाया है, तो मैंने जो वीएम मेरी इंडिया वाली थी उसको मैंने कर लिया सेलेक्ट। एंड यहां पे मैं करूंगा एशिया रीजन अपन करेंगे, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ इंडिया, अपना इंडिया। ठीक है, सो स्टेट की जरूरत है नहीं, और सिंपली मैं कर दूंगा ऐड। एक एंड पॉइंट मेरा ये क्रिएट हो गया। अब सेम टू सेम ऐसे मुझे एक एंड पॉइंट क्रिएट करना होगा, किसके लिए? मैं क्लिक करूंगा नॉर्मली और इसका नाम डाल दूंगा मैं वेस्ट यूएस या ईस्ट यूएस, क्योंकि मैंने ईस्ट में बनाई है ना, ईस्ट यूएस एंड पॉइंट, लाइक एंड पी, है ना, ई एन डी एंड पी। और ये रहेगा मेरा पब्लिक आईपी अगेन, और पब्लिक आईपी मेरी यूएसए वाली रहेगी इस पे। ठीक है, रीजन मेरा रहने वाला है नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, अमेरिका रीजन रहेगा यहाँ पे। कंट्री हम यूनाइटेड स्टेट्स कर लेंगे दिस वन, एंड ठीक है सिंपली मैं करता हूँ ऐड पे क्लिक। ठीक है, अब आप देख सकते हो मेरे 2 एंड पॉइंट आ चुके हैं यहाँ पे, चेकिंग एंड पॉइंट चल रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे हम, क्योंकि हमें इसको चेकिंग एंड पॉइंट से चेंज होना पड़ेगा। एक बार हम देख लेते हैं कि क्या पता मेरा काम हो गया हो, है ना, कभी कभी बैकएंड पे चलता रहता है ये और आगे मेरा काम हो जाता है। तो हम सिंपली जाएंगे ओवरव्यू के ऊपर, यहाँ पे आपको मिलेगा डीएनएस नेम। ठीक है, अब इस डीएनएस नेम को आप जहां से कॉपी करोगे, अगर मैं इंडिया से करूंगा तो मुझे इंडिया का सर्वर दिखाएगा, ठीक, अगर मैं ये चीज अमेरिका में जाकर डालूंगा तो ये मुझे अमेरिका का सर्वर दिखाएगा, यहां से नहीं दिखाएगा ना भाई, यहां से मैं कैसे दिखा दूं अमेरिका का? राइट, तो यहाँ पे वो चीज आ जाती है कि अगर मैं इसको इंडिया में डाल रहा हूँ सेम चीज, ठीक है ये वाली लाइन, अगर मैं डाल रहा हूँ इंडिया में तो मुझे इंडियन वर्जन दिखा रहा है, अगर मैं अमेरिका से करूंगा तो अमेरिका से दिखाएगा। ठीक है, तो गाइस आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, एंड पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो ठीक है यार, आप एक प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हो भाई, की मजा आ गया। तो यहाँ पर इतना होने के बाद आप सिंपली रिसोर्स ग्रुप पे जाएंगे, हमारा लैब हो चुकी है। ठीक है, यही दिखाना था मुझे आपको, लैब हमारी हो चुकी है। ट्रैफिक आरजी पे जाएंगे अपन और कर देंगे डिलीट, जो कि मैं हमेशा डिलीट कर देता हूँ, और आपको बोलता हूँ डिलीट आप भी कर दिया करो, क्योंकि आपको नेक्स्ट लैब करने में प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। राइट, तो आई गेस आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है आपको, अच्छा लगा है तो आप प्लीज चैनल पर, अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने हैं चैनल को लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो, कर ही दो प्यारा सा। ठीक है गाइस, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।